चलिए आपको अपडेट बता दें, मुरैना हादसे से जुड़ा हुआ। लगभग सुबह 10 बजे प्लेन क्रैश हुआ था। बता दें प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, बंसल न्यूज पर एसपी ने बड़ा अपडेट दिया है। दो पायलट सुरक्षित मिले हैं। तो सुबह 10 बजे करीब ये प्लेन क्रैश हुआ। एक बड़ा हादसा मुरैना में हुआ है। ग्वालियर से अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी मिराज 2000, जो कि मुरैना में हादसे का शिकार हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना को लेकर दुख जताया है, ट्वीट किया है सीएम शिवराज ने। बंसल न्यूज ने बात की एसपी से, कलेक्टर से बात की गई। ये सीएम शिवराज का वो ट्वीट जो उन्होंने किया है और लिखा है कि मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत दुखद है। सीएम ने आगे लिखा है कि मैंने स्थानीय प्रशासन को त्वरित बचाव एवं राहत कार्य में वायुसेना के सहयोग के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पायलट के सुरक्षित होने की कामना की है। तो घटना पर सीएम शिवराज ने दुख जताया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बड़ा हादसा मुरैना में हुआ है, दो पायलट सुरक्षित मिले हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एयरफोर्स का ये विमान जो कि पहले ढूंढने के लिए पहुंचा था और फिर पायलट को अब ग्वालियर ले जाया जा रहा है। इन पायलटों का अब ग्वालियर में इलाज किया जाएगा और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही तस्वीरें हैं। एयरफोर्स का विमान मौके पर पहुंचा है, कई और अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। फाइटर जेट क्रैश हुआ है, बड़ा हादसा और बड़ा अपडेट मुरैना हादसे पर। सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको बता दें, एयरफोर्स का सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है मुरैना में। ये बड़ा हादसा, बता दें मुरैना के पहाड़गढ़ का ये जंगली इलाका है। तो पायलट सुरक्षित हैं, जो तस्वीरें मौके से मिल रही हैं। लगातार बंसल न्यूज पर हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा, और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, मौके की तस्वीरें हैं बड़ी संख्या में। देखिए ग्रामीण भी वहां पर मौजूद हैं और स्थानीय प्रशासन को भी, चूंकि मुख्यमंत्री निर्देश दे चुके हैं कि स्थानीय प्रशासन भी वायु सेना के सहयोग करे, राहत कार्य बचाव कार्य में मदद करे, निर्देश सीएम शिवराज ने किया। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है, ट्वीट किया है। इसके साथ ही पायलट के सुरक्षित होने की ईश्वर से कामना भी सीएम शिवराज ने की है। दूसरी तस्वीर मौके की आप देख सकते हैं, और इन पायलटों के इलाज के लिए एयरफोर्स का एक विमान जो कि इस इलाके में पहुंचा, हादसा होने वाले इलाके में पहुंचा, इन पायलटों को अब ग्वालियर ले जाया गया है। ग्वालियर में अब इन पायलटों का इलाज किया जाएगा। तो इस हादसे को लेकर लगातार हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी बचाव कार्य के लिए, राहत कार्य के लिए मौके पर मौजूद है। वायुसेना के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ट्वीट भी किया है, और इसके साथ ही लगातार सीएम शिवराज खुद निर्देश दे रहे हैं। तो इस हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख जताया है और पायलटों के सुरक्षित होने की ईश्वर से कामना की है। बता दें एक बार फिर से आपको, सुबह करीब 10 बजे प्लेन क्रैश हुआ, प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके के लिए रवाना हुए थे। जमीन पर दूर दूर तक, इस घटना स्थल पर दूर दूर तक इस प्लेन के परखच्चे दिखाई दे रहे हैं जो हादसे का शिकार हुआ है। तो कुछ और जानकारी आपको बता देते हैं, ये जो प्लेन क्रैश हुए हैं मिराज 2000, इसकी खासियत क्या है। 47 फीट इसकी लंबाई है और खाली विमान का वजन 7500 किलो है। इसके साथ ही 13,800 किलो गोला बारूद के साथ भी 2,336 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जा सकता है। 125 राउंड गोलियां प्रति मिनट दागता है। इसके साथ ही 68 मिलीमीटर के 18 रॉकेट प्रति मिनट दागता है। पहली बार 1970 में इसने उड़ान भरी थी और फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। कारगिल युद्ध में भी
मिराज 2000 की बड़ी भूमिका रही। हमारे संवाददाता उमेश पराशर लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी अभी मिल पाई है? पायलटों को देखिए इलाज के लिए रवाना कर दिया गया है, अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि मिराज है या सुखोई विमान पहाड़गढ़ में गिरा है, तो अब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं और सेना के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो पहाड़गढ़ के जंगलों में जो सेना का विमान क्रैश हुआ है वो मिराज ही है, और इसके साथ ही उसमें 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 जो पायलट हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है और उनका इलाज जारी है। लेकिन बताया ये जा रहा है, अब ये अपडेट मिल रही है, जो सेना के अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हैं और उनके द्वारा ये अपडेट दिया जा रहा है कि उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन ये पायलट है या को पायलट है या कौन उसमें बैठा था ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की उसमें मौत हो गई है और जो 2 पायलट हैं वो गंभीर हालत में उनको ग्वालियर के लिए इलाज के लिए ले जाया गया है। प्राथमिक उपचार जो पहाड़गढ़ के लिए उनको पहले ही डॉक्टरों के द्वारा दिया जा चुका है, और उसके बाद अब जो सेना के जवान हैं, सेना के अधिकारी हैं, लोकल पुलिस है, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो मौके पर हैं और ये जानकारी जुटाई जा रही कि आखिर क्या वजह ऐसी रही जिसकी वजह से जो प्लेन है, सेना का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, जांच चल रही है और कुछ ही देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्लेन है वो किस कारण से क्रैश हुआ है, क्या वजह रही। मौसम, हालांकि ये बताया जा रहा है मौसम की कोई वजह इसमें नहीं बताई जा रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जिस तरह से लगातार जो सुबह से धूप है वो निकल रही है तो मौसम की कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन जरूर चूक जरूर हुई है और इसकी जांच भी की जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार उमेश जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर इस कारण क्या है, किस वजह से ये हादसा हुआ, कैसे ये हादसे का शिकार हुआ। लेकिन देखिए पायलटों को रवाना कर दिया गया है, उनके इलाज के लिए सुरक्षित बताए गए हैं। आपने भी जो जानकारी दी कि शायद किसी की मौत भी हुई है, कुल कितने लोग थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर बड़ी संख्या में हमने तस्वीरों में देखा ग्रामीण पहुंचे हैं, तो प्रशासन को भी चूंकि जांच करनी है और ऐसे में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा होगा क्योंकि भीड़ है। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इसी बीच एक जानकारी दे दे, जहां सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस हादसे पर ट्वीट किया है और लिखा है कि मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार मिला है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा कि मैं इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने ईश्वर से विनम्र प्रार्थना की है कि विमानों के पायलट सकुशल हों। और संवाददाता उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, हम बात कर रहे थे क्योंकि देखिए लगातार ग्रामीण वहां पर एकत्रित होते ही जा रहे हैं, भीड़ लगातार बढ़ रही है, ऐसे में प्रशासन के सामने भी ये चुनौती है कि भीड़ को भी नियंत्रित रखें। क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? नहीं बिल्कुल, देखिए सही बात है कि मौके पर जिस तरह से पहले ग्रामीण ही पहुंचे थे और ये सेना का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ था, उस समय सबसे पहले जो ग्रामीण हैं वो मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने लोकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना भी दी थी। हालांकि जैसे ही ये आसमान में ये जो मिराज है वो अभ्यास कर रहा था, उसी दौरान ये घटना हुई है और ये आसमान से नीचे गिरा तो उसमें आग लग गई और उसके बाद ये जो इसके जो प्लेन के जो टुकड़े हैं वो दूर दूर तक फैले हुए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो पहाड़गढ़ का जो इलाका है वो काफी पथरीला इलाका है और जैसे ही ये प्लेन नीचे गिरा वो उसके बाद इसके परखच्चे उड़ गए, उसमें जो 2 से 3 लोग बताए जा रहे हैं वो सवार थे और सबसे पहले ये खोजबीन की जा रही थी कि ये इसमें जो लोग बैठे हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं है। जब से इस तरह से देखा जा रहा पुलिस के द्वारा, जब वहां सर्च की गई तो पहले इनको पुलिस को कोई वो जो पायलट है वो वहां नहीं मिले थे, उसके बाद आसपास के इलाके में जब सर्च की गई तो थोड़ी दूर पर 2 पायलट है वो गंभीर अवस्था में मिले थे। हालांकि एक व्यक्ति का भी शव भी बरामद हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये पायलट है कि नहीं है इसकी जांच सेना के अधिकारी अभी कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि प्लेन में जो सेना का जो प्लेन है उसमें 3 जो कर्मचारी हैं वो बैठे थे, जिसमें 2 पायलट हैं और एक कौन व्यक्ति बैठा है, सेना का अधिकारी है या सेना का जवान है, इसकी भी जांच की जा रही है। अभी एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि प्रशासन के द्वारा की गई है, सेना के जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और जो 2 घायल पायलट हैं उनको इलाज के लिए ग्वालियर ले जाया जा रहा है इलाज के लिए, और अभी जो पूरे मामले की जांच है
वो लोकल प्रशासन के साथ साथ ही जो सेना के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। हालांकि जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है उस दौरान जो ग्रामीण है वो काफी संख्या में वहां एकत्रित हुए हैं और जो सेना के जवान है उनका साफ तौर पर जो ग्रामीण है उनको वहां से हटाया जा रहा है जिससे कोई व्यवधान रेस्क्यू में ना पड़े। और हालांकि जो इस घटना को दुखद घटना को देखने के लिए वहां काफी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल लगातार लोग वहां पर एकत्रित होते जा रहे हैं उमेश। साथ ही देखिए अधिकारियों से अभी हालांकि बातचीत नहीं हो पाई है, कुल तीन लोगों के होने की जानकारी आप दे रहे हैं कि दो पायलट थे और एक अन्य व्यक्ति भी प्लेन में मौजूद था। क्या स्पष्ट हो पाई है दोनों पायलट जो कि सुरक्षित हैं और जिनकी मौत की संभावना जताई जा रही है वो अन्य अधिकारी हो सकता है उमेश? बिल्कुल देखिए जी बिल्कुल सही बात है। सुबह जिस तरह से इन्होंने 9 बजे हवाई अड्डे से सेना के जो हवाई अड्डे से उसमें उड़ान भरी थी और उसके बाद दो जो मिराज और सुखोई दो यहाँ से जो लड़ाकू विमान है उन्होंने उड़ान भरी थी और जैसे ही पहाड़गढ़ के जंगलों के आसपास ये विमान पहुंचा तो जो मिराज है वो वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो आग लग गई जिससे वो नीचे प्लेन गिर गया। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब ये बताया जा रहा है कि अभी सेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने दो पायलटों की पुष्टि की है, उनका इलाज चलाया जा रहा है और ये जो एक व्यक्ति वहाँ बैठे हैं वो या तो सेना के जवान है या कोई अधिकारी है, इसकी जांच की जा रही है। अभी हमारी सेना के किसी भी अधिकारी से अभी स्पष्ट बात नहीं हो पा रही है क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो जिसकी मौत हुई है वो पायलट है या सेना का अधिकारी है या जवान है, इसकी कुछ ही देर में ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल तमाम अपडेट भी उमेश पहुंचाते रहेगा और प्रयास करेगा कि किसी से आपके वहाँ बातचीत हो पाए चाहे वो ग्रामीण हो मौके पर मौजूद अधिकारी हो। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें भी लगातार बंसल न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ ही ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर विराज 2000 और सुखोई 30 ये विमान इनकी खासियत क्या है, कब इनकी शुरुआत हुई पहली बार, कब इन विमानों ने उड़ान भरी। तो सबसे पहले मिराज 2000 की बात करें तो 47 फीट इसकी लंबाई है जिसके खाली विमान का वजन 7500 किलो है। इसके साथ ही 13800 किलो गोला बारूद के साथ भी 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये भर सकता है। 125 राउंड गोलियां प्रति मिनट दागता है, साथ ही 18 रॉकेट प्रति मिनट दागता है। पहली बार 1970 में मिराज 2000 ने उड़ान भरी थी। फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। और एक और सबसे खास बात यह कि मिराज 2000 की कारगिल युद्ध में बड़ी भूमिका रही है। बात करें सुखोई 30 की तो खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है सुखोई 30। रूस और भारत ने मिलकर इसे बनाया है। 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है और 72 फीट लंबाई, 48.3 फीट विंग स्पैन है, ऊंचाई इसकी 20.10 फीट है, वजन 18,400 किलोग्राम है। इसके साथ ही बता दें लियुल्का L31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है। अधिकतम रफ्तार 2,120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज्यादा ऊंचाई पर रेंज 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है। वहीं रास्ते में ईंधन भरने पर 8,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रेंज, और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। देखिए एयरफोर्स के कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके, स्थानीय प्रशासन भी साथ में मौजूद है। राहत और बचाव कार्य में लगातार स्थानीय प्रशासन भी मदद कर रहा है। मुख्यमंत्री भी इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने भी स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया है कि मौके पर पहुंचे और वायुसेना के बचाव राहत कार्य में अपना सहयोग दें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी इस पर ट्वीट किया। सीएम शिवराज का ये ट्वीट एक बार फिर से आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को त्वरित बचाव और राहत कार्य में वायु सेना के सहयोग के निर्देश दे दिए हैं। विमानों के पायलट के सुरक्षित होने की ईश्वर से कामना भी की है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया है। और ये देखिए कमलनाथ का ये ट्वीट आपको बता दें, उन्होंने लिखा है कि मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार मिला है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं।
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर ट्वीट किया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से विनम्र प्रार्थना है कि विमानों के पायलट सकुशल हो। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, सबसे पहले तस्वीर बंसल न्यूज ने आपको दिखाई, एयरफोर्स का एक अन्य विमान ढूंढते हुए वहां पर पहुंचा, उसके बाद जो घायल पायलट हैं उन्हें ग्वालियर ले जाया गया, इलाज के लिए उन्हें ग्वालियर ले जाया गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस फाइटर जेट में कुल 3 लोग सवार थे, जिसमें से हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिली उसके अनुसार 2 पायलट थे जो कि सुरक्षित हैं। एसपी से भी बंसल न्यूज ने बातचीत की, सबसे पहले एसपी ने बंसल न्यूज पर अपडेट दिया कि 2 पायलट जिन्हें सुरक्षित बचाया गया है। अब उन्हें बता दें कि ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जहां ग्वालियर रेफर किया गया है अब दोनों पायलटों को इलाज के लिए। इसके साथ ही इन फाइटर जेट की क्या खासियत है, कब इनकी शुरुआत हुई, कब पहली बार उड़ान भरी, ये भी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो हादसे में एक की मौत की जानकारी मिली है, वहीं 2 पायलट सुरक्षित मिले हैं, एसपी का ये कहना है। अब इन पायलटों के साथ वो तीसरा व्यक्ति कौन था, एयरफोर्स का अधिकारी, हालांकि ये जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। मुरैना के पहाड़गढ़ का ये जंगली इलाका है, पथरीला इलाका है, जहां ये बड़ा हादसा हुआ, एक दुखद हादसा आज हुआ। लगभग सुबह के 10 बजे का वो समय था जब ये फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ और ये कई तस्वीरें बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं। आसपास के क्षेत्र से लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, भीड़ मौके पर बढ़ती जा रही है, एयरफोर्स के कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हादसा कितना भीषण था, कितना दुखद था, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौके पर कुछ ग्रामीण जिन्होंने इस हादसे को होते हुए देखा, उनका यही कहना है, जो जानकारी ग्रामीणों से मिली है, ग्रामीणों का कहना है कि जब यह हादसा हुआ उसके बाद आसपास उन्हें कोई पायलट भी नहीं दिखाई देते, हालांकि उसके बाद जांच और ज्यादा की गई, उन्हें ढूंढा गया और उसके बाद 2 पायलट मिले। पायलट हालांकि सुरक्षित हैं जो कि विमान के आसपास नहीं मिले थे। इसके साथ ही फिर ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, क्योंकि हादसा होने के बाद स्पाइटर जेट में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी जिसकी तस्वीरें भी बंसल न्यूज पर हमने आपको दिखाई, देख सकते तस्वीरों में इस प्लेन के क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई और इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने, वहां पर जो ग्रामीण मौजूद थे उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद इस हादसे की जानकारी लगी। स्थानीय प्रशासन तुरंत तत्काल मौके पर पहुंचा, इसके साथ ही वायुसेना के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। बता दें ग्वालियर से ये फाइटर जेट ने उड़ान भरी, अभ्यास उड़ान थी और इसी दौरान ये दुखद हादसा हुआ। तो लगातार अपडेट इस खबर पर हम आपको दे रहे हैं, हर एक तस्वीर मौके से पहुंचा रहे हैं और ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस विमान के परखच्चे दूर दूर तक उड़ गए, हादसा इतना भीषण था। इसके साथ ही वो तस्वीर है जब एयरफोर्स का एक अन्य विमान मौके पर पहुंचा और इस मामले की पूरी जांच, इस हादसे की जांच लगातार जारी है। तो ये जानकारी अधिकारियों ने स्पष्ट की है कि मुरैना में मिराज 2000 गिरा है। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, सुबह 10 बजे करीब ये प्लेन क्रैश हुआ, ये हादसा हुआ, ग्वालियर से अभ्यास के लिए फाइटर जेट ने उड़ान भरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर दुख जताया है। एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं, हादसे में एक की मौत हुई है, वहीं 2 पायलट सुरक्षित हैं। बंसल न्यूज पर एसपी ने पायलटों के सुरक्षित होने की जानकारी, सबसे पहले बंसल न्यूज ने एसपी से बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया कि 2 पायलट सुरक्षित मिले हैं। बर्ड्स जो ग्वालियर भरतपुर की तरफ विंटर्स में हजारों की तादाद में आती है साइबेरिया से, क्या उसके झुंड में से घुस गए, क्या उसका कारण हुआ है या फिर आपस में टकराए हैं उसके कारण हुआ है? क्योंकि अगर जहाज एक ही जगह गिर रहे हैं और अलग अलग रीजन से गिर रहे हैं तो बड़ा रेयर होता है, ये हो नहीं सकता, अलग अलग जगह है। तो खासकर हमारे को पूरी ये डिटेल पता होनी चाहिए कि ये कहां से टेक ऑफ किए थे। अगर दोनों ने ग्वालियर से टेक ऑफ किए थे,
एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज के दौरान हो सकता है एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऐसी चीज हो गई हो सकता है दोनों वापस रिटर्न कर रहे हैं ग्वालियर में और एटीसी के संपर्क टूट गया है तो एक दूसरे को देख नहीं पाए, एक रिजॉइन कर रहा है, एक सर्किट के ऊपर है, शायद वो क्रैश हो सकता है, तो कई रीजन हो सकते हैं क्रैश के। और जब तक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉच रिकॉर्डर से पता नहीं चलेगा, उसको उसकी स्टडी नहीं होगी, फिर पता चलेगा कि क्या रीजन है। और पायलट से पता चलेगा, दोनों पायलट अभी हमारे तीनों पायलट सेफ हैं, वो आपको बता देंगे क्या हुआ। तो कोई कंजेक्चर की जरूरत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मीडिया को थोड़ा सा तसल्ली रखनी चाहिए कि जल्दबाजी ना करें, क्रैश का रीजन पता चल जाएगा, क्योंकि भगवान की दया से पायलट सेफ हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है फ्लाइट एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेटर, जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है कि पूरी जगह जाते हैं, देखते हैं किस तरीके से एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, किस एंगल पे क्रैश हुआ पता चल जाता है, जिस एंगल पे लगी है, ब्लेड्स कैसे मुड़े हैं, जहाज के पार्ट्स किस तरीके से मुड़े हैं पता चल जाता है, क्या एंगल ऑफ इम्पैक्ट था, इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए हमको कई चीजें पता चलेंगी। और उनके रिकॉर्ड से पता चलेगा फ्यूल का क्या रिकॉर्ड था, क्या कोई कंटेमिनेशन नहीं था, फ्यूल की टेस्टिंग होगी वो भी होगा, हाइड्रोलिक ऑयल्स की टेस्टिंग होगी, ये सारी टेस्टिंग भी देखी जाएगी, जहाज का रिकॉर्ड हिस्ट्री देखी जाएगी, फिर पता चलेगा पायलट के स्टेटमेंट से, एटीसी के स्टेटमेंट से कोरिलेट किया जाएगा और फिर नतीजा निकाला जाएगा। तो प्रफुल यू सी, वी हैव गॉट अ न्यूज, अ वेरी ट्रेजिक न्यूज दैट टू एयरक्राफ्ट हैव क्रैश्ड, सुखोई 30 एमकेआई एंड अ मिराज 2000। वेयर तो डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल बख्शी को आपने सुना, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी और कहा कि अब ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये हादसा कैसे हुआ, किस एंगल में हुआ, तमाम जानकारियां उन्होंने मीडिया से साझा की हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग सुबह 10 बजे के करीब ये हादसा हुआ, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई, मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, तत्काल प्रशासन मौके पर पहुंचा और इसके साथ ही एयरफोर्स के अधिकारी भी पहुंचे। एंड देयर आफ्टर टाइम एज पर द टाइम एंड स्पेस दे विल बी पुट ऑन द मैप एज एट व्हाट टाइम व्हाट हैपेंड, व्हाट टाइम द हाइट वाज देयर, पायलट स्टेटमेंट्स विल बी कोरिलेटेड विद द एफडीआर स्टेटमेंट्स एंड देयर आफ्टर द रिजल्ट विल बी फाउंड आउट। इट कैन हैपन दैट दे वर डूइंग एक्सरसाइज विद इन द एक्सरसाइज एरिया दे हैव कोलाइडेड और दे हैव फ्लोन थ्रू अ फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विच आर इन अबंडेंस इन दिस सीजन नियर ग्वालियर भरतपुर, द साइबेरियन गीज एंड ऑल दे कम देयर टू सेटल डाउन इन द वाटर पॉइंट्स, प्रॉब्ली ग्वालियर हैज लॉट ऑफ वाटर पॉइंट्स, सो डज मुरैना एंड ऑल दैट एरिया, रिवर चंबल इज देयर, सो ऑल दिस आस्पेक्ट हैव टू बी पुट इन टू फैक्टर एंड को रिलेटेड विद पायलट स्टेटमेंट, को रिलेटेड विद एफडीआर सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड देयर आफ्टर द रिजल्ट विल बी फाउंड आउट। द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स विल ऑल्सो गो टू द एक्सीडेंट साइट, कलेक्ट द पीसेस टूगेदर एंड दे विल फाइंड आउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट हाउ द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन ब्लेड्स हैव टर्न्ड, हाउ द फायर हैज टेकन प्लेस, दे कैन यू मेक आउट बैटरी फायर, दे कैन मेक आउट फ्यूल फायर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट द एविडेंस इज वेरी प्रॉब्ली इज लीडिंग टूवर्ड्स मिड एयर कोलिजन बिकॉज दे हैव। तो देखिए पायलट्स का इलाज जारी, उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है और हर एक तस्वीर इस हादसे से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।